मुल्क में 71,000 नौजवानों को पीएम मोदी तकरीरी नामे सौंपेंगे। बता दें कि रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे वजीर आजम मोदी। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का हदफ सरकार ने रखा था, उसी सिमत में लगातार तकरीरी नामे लोगों को दिए जा रहे हैं। नौजवानों को यहाँ पर तकरीरी नामे सौंपे जा रहे हैं पीएम मोदी के जरिए। इससे पहले भी एक तकरीब में उन्होंने तकरीरी नामे बड़ी तादाद में बच्चों को सौंपे थे। बता दें कि सरकारी महकमों में भर्ती हुए करीब 71,000 लोगों को आज तकरीरी नामे देंगे पीएम मोदी। पूरा प्रोग्राम रोजगार मेला मुहिम के तहत ही मुनाकिद किया जाएगा। पीएम मोदी आज अलग अलग सरकारी महकमों में भर्ती के करीब 71,000 लोगों को तकरीरी नामे सौंपेंगे। बता दें कि ये रोजगार मेला मुहिम है जो सरकार की ओर से शुरू की गई थी और उसी का एक और पड़ाव आज है। 71,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरी पाने वाले लोगों को खिताब भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुल्क भर से चुने गए नौजवानों को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, इसके अलावा कई और अहदों पर यह तकरीरी की जा रही है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टीचर, नर्स, डॉक्टर, समाजी सिक्योरिटी ऑफिसर, पीए और रेमटीएस जैसे मुख्तलिफ अहदों पर यह तैनाती की जाएगी। तो कुल मिलाकर 71,000 लोगों को आज तकरीरी नामे सौंपेंगे पीएम मोदी और इसके अलावा वो खिताब भी करेंगे, हौसला अफजाई करते नजर आएंगे। सरकार ने इस मुहिम का आगाज किया था जिसके तहत मकसद रखा गया था कि जो नौजवान बेरोजगार हैं मुल्क में उन्हें नौकरी फराहम हो और लगातार तकरीरी नामे बांटने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज एक बार फिर से इस मुहिम के तहत पीएम मोदी 71,000 नौजवानों को तकरीरी नामे सौंपने वाले हैं। एक बार फिर आपको औधे बता देते हैं, कुछ औधे जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन और इसी तरह 71,000 लोगों को आज नौकरी मिलेगी।